इन गर्मियों अगर आप अपने स्किन को पैम्पर करना चाहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल फील कराना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप अपने स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करना चाहते हैं, टैनिंग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा उबटन जिसे आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और फुल बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा फेस पैक और उबटन है जो आप अपने स्किन पर जब अप्लाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, इनफैक्ट फर्स्ट डे में ही आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप इसे रेगुलर अगर यूज़ करते हैं वीक में 2 बार, तो आप इसका रिजल्ट देखेंगे कितना ज्यादा ऑसम मिलता है। फर्स्ट टाइम आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, मैं आपको लाइव रिजल्ट पहले ही दिखा दे रही हूँ, बाद में आप रेमेडी देख लीजिएगा कि कैसे यूज करनी है और कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम मिलता है। और साथ साथ हमने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी यूज किए हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कराएंगे, आपको इन गर्मियों में जो घमोरियों की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा स्किन पर टैनिंग हो जाती है, स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे करके डल हो जाता है, आप थोड़ा भी धूप में जाते हैं रिजल्ट आपको वही मिलता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको बताती हूँ इस रेमेडी को आपको कैसे तैयार करना है। तो चलिए हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। उस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्राम फ्लोर 4 से 5 बड़ी चम्मच, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन आप सभी जानते हैं कि स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, स्किन से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, और सबसे अच्छी बात है रिंकल की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेसन कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़ी चम्मच बेसन लिया है। अब हम लेंगे हिबिस्किस पाउडर, यानी कि जो गुड़हल के फूल का पाउडर होता है वो हमें लेना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले तो आपको गर्मियों में जो आपकी घमोरियों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए और कलर कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने के लिए, एकदम जो होता है ना मैल गंदगी, उसको बिल्कुल अंदर से जाके ख़त्म करके स्किन की रंगत को निखारने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब जो हम इसमें यूज़ करें वो है घर का बना हुआ खट्टा दही। खट्टा दही मैं इसलिए यूज़ करने को बोल रही हूँ आपको क्योंकि जो खट्टा दही होता है आपकी स्किन से टैनिंग को ख़त्म करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग एंड ब्राइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ ही पिम्पल्स की जो दाग धब्बे होते हैं ना उनको भी ख़त्म कर देता है। अब साथ में आपको इसमें थोड़ा सा टमाटर का रस ऐड कर देना है। टमाटर को बस आधा कट कर लीजिए, उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, आसानी से उसका रस जो है वो निकल आता है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। चाहें तो नींबू की 2-4 बूंदें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है यार नींबू का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने नींबू स्किप किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि नींबू मेरे स्किन पर सूट नहीं करता, मैं आपको बहुत से वीडियो में बताती हूँ, तो ये भी है। और दूसरा, नींबू का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम टमाटर यूज़ कर रहे हैं। अब इसे अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे, आप इसका कलर देख सकते हैं, और ये जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ्रेश फील कराएगा। इसका कलर आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे थोड़ी देर तक रेस्ट पर रख दीजिएगा, 5 मिनट तक चाहें, उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। पहले तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी अगर आप इसे फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आराम से फेस पे एंड फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे खुद भी फेस पे भी अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। फिर भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई रेमेडी आप नई यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। अब इसे आपको अपने हाथों पे एंड फुल बॉडी पे अप्लाई कर लेना है, और कम से कम 15-20 मिनट तक इसे लगे रहने दीजिए, और फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से ही आपको वॉश करना है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके स्किन अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो, जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है कि जब तक झाग वाग ना निकले नहाते समय, तो फिर उनको लगता ही नहीं कि वो अच्छे तरीके से नहाएं या फिर कुछ भी, तो आप बॉडी वॉश का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ सोप का यूज़ मत कीजिएगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सोप जो होता है वो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जब भी आप कोई रेमेडी यूज़ करते हो तो सोप जो है थोड़ा सा साइड इफेक्ट कर देता है, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डल कर देता है। तो प्लीज़ इस रेमेडी को लगाने के बाद तुरंत जब आप क्लीन करें, नहाएं या शावर लें, तो उस टाइम में आपको बिल्कुल भी सोप का यूज़ नहीं करना है, बॉडी वॉश का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप देख रहे हैं मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने के लिए ऐसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, ना तो मैंने किसी सोप से इसे धुला है ना वो बॉडी वॉश से धुला है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको दिखा रही हूँ क्लीन करके कि किस तरीके से इसका रिजल्ट जो है आपको मिलता है फर्स्ट टाइम में ही। नहीं तो बाद में बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे आपने कुछ यूज़ कर लिया, कुछ लगा लिया, या दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भी मैंने अपने हाथ को इधर से उधर नहीं किया है, और आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट टाइम में जो रिजल्ट है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा मिलता है।
डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्राइडल हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आप इसे रेगुलर यूज़ कीजिए। आप देखिए कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा निखर जाएगी। और बहुत ही अच्छी बात है कि आपके स्किन से जो भी मैल गंदगी होती है ना, खास करके गर्दन पे, कोहनियों पे, घुटनों पे, यहाँ पे हमें मैल गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इस रेमेडी को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और कलर कॉम्प्लेक्शन भी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि निखरता ही जाएगा। तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इन गर्मियों आप चाहते हैं कि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन ब्राइट हो, उनकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे दोनों हाथों में जो इसका इफ़ेक्ट है वो देख सकते हैं कि जिस हाथ में मैंने इस रेमेडी को लगाया था और जिस हाथ में मैंने रेमेडी नहीं यूज़ की है, दोनों में आप कंपेरिजन कर सकते हैं एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अक्सर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। सो टेक केयर, बाय।